और खुर्जा मार्ग पर खड़े हैं। ये वो चौराहा है जहाँ पूरे दिन सैकड़ों वाहन गुजरते थे। देखिए पुलिस बैरिकेडिंग लगातार लोगों को चेक कर रही है और प्रत्येक वाहन को रोक कर ये पूछ रही है कि आगे कहाँ जा रहे हो। प्रत्येक वाहन को रोक कर चेक कर रही है और उनसे यही कह रही है कि घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन जनता कहीं ना कहीं अब भी लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ दिख रही है। देखिए लगातार हम ये तस्वीर हैं तो मार्केट तो पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, लेकिन लोगों का इधर अगर हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो लगातार वाहनों पर आना जाना लगा हुआ है। और जबकि पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। देखिए एक हमारे यहाँ पास नगर पंचायत पहाड़पुर के एक कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से लोगों से अपील की जा रही है उनका उनको लेकर। देखिए लॉकडाउन को लेकर नगर पंचायत के कर्मचारी हम सब अपील कर रहे हैं लोगों से कि बाहर मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग में रहो और पुलिस प्रशासन भी बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लोगों का कहना है हम प्रत्येक घर पर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर पर ही रहें और सोचिए यहाँ पुलिस प्रशासन भी बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घर पर ही रहें। सोचिए जबकि हम बुलंदशहर के डीएम एसएसपी की बात कर रहे हैं तो वो भी पूरे जनपद बुलंदशहर में लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। हम भी अपने चैनल के माध्यम से बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। अनिल मीना, की न्यूज इंडिया, बुलंदशहर।